नमस्कार, मैं हूं आपके साथ खुशबू सिंह। स्वागत है आपका युग चरण में। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। 1 अक्टूबर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बर्थ सर्टिफिकेट की अहमियत बढ़ने वाली है। नए नियम के तहत बर्थ सर्टिफिकेट का इस्तेमाल स्कूलों में एडमिशन, ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने, वोटर आईडी, विवाह पंजीकरण, सरकारी रोजगार, पासपोर्ट और आधार कार्ड बनवाने सहित कई जगहों पर सिंगल डॉक्यूमेंट के तौर पर यूज किया जा सकेगा। जन्म और मृत्यु पंजीकरण विधेयक 2023 मानसून सत्र के दौरान संसद के दोनों सदनों में पारित किया गया था। इसे राष्ट्रपति से भी सहमति मिल चुकी थी। 1 अक्टूबर से ये लागू भी किया जा रहा है। मानसून सत्र के दौरान केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में कहा था कि मूल अधिनियम में इसकी स्थापना के बाद से संशोधन नहीं किया गया था। अब सामाजिक परिवर्तन और तकनीकी प्रगति के साथ तालमेल बनाए रखने और अधिक नागरिक अनुकूल बनाने के संशोधन की आवश्यकता थी। नया कानून रजिस्टर्ड बर्थ और डेथ का नेशनल और स्टेट लेवल डेटाबेस बनाने में भी मदद करेगा। इससे पब्लिक सर्विसेज बेहतर तरीके से डिलीवर किए जा सकेंगे। ये नया नियम 1 अक्टूबर या इसके बाद से बनने वाले बर्थ सर्टिफिकेट में लागू हो जाएगा। यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने हाल ही में G20 समिट के दौरान राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी थी। इसके बाद बुधवार को उन्होंने गांधी के विचारों की प्रशंसा की। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में फिलिस्तीन के मुद्दे पर सवाल का जवाब देते हुए एंटोनियो ने कहा, मैं हाल ही में भारत से आया हूँ, वहाँ मैंने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। हमें गांधी की शिक्षा और उदाहरण को नहीं भूलना चाहिए। फिलिस्तीन और इसराइल के बीच सीमा विवाद और धर्म के मुद्दों पर अक्सर हिंसा होती है। इसे लेकर गुटेरेस ने कहा, हमें फिलिस्तीन के लोगों के अधिकारों को पहचानना चाहिए। अगर कोई देश इसे कमजोर करने की कोशिश करे तो उसकी निंदा होनी चाहिए। हिंसा से फिलिस्तीन अपने अधिकारों की रक्षा नहीं कर पाएंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक पाकिस्तानी पत्रकार ने एंटोनियो से भारत में अल्पसंख्यकों के खिलाफ कथित हिंसा पर मोदी के साथ कुछ बातचीत होने का सवाल पूछा। इसके जवाब में एंटोनियो ने कहा, मेरी प्रधानमंत्री मोदी के साथ किसी भी प्रकार की मीटिंग नहीं हुई, लेकिन हमारा पक्ष साफ है। धर्म के आधार पर हो रही हिंसा से ह्यूमन राइट्स का नुकसान होता है, हम इसके खिलाफ हैं। केंद्र सरकार ने 18 से 22 सितंबर के बीच संसद का विशेष सत्र बुलाया है। इस दौरान संसद में 4 बिल पेश किए जाएंगे। राज्यसभा की ओर से 13 सितंबर को जारी संसदीय बुलेटिन में इसकी जानकारी दी गई। उधर 14 सितंबर को बीजेपी ने अपने सभी लोकसभा और राज्यसभा सांसदों को व्हिप जारी किया है, ताकि सभी सांसद 5 दिन संसद के दोनों सदनों में मौजूद रहे। सत्र के पहले दिन यानी 18 सितंबर को राज्यसभा में 75 सालों की संसदीय यात्रा, उपलब्धियों, अनुभव, यादों और सीख पर चर्चा होगी। उधर 17 सितंबर को पीएम नए संसद भवन पर राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। इसी दिन मोदी का जन्मदिन और विश्वकर्मा जयंती है। नए भवन में कामकाज अभी शुरू होना है। सूत्रों के अनुसार ध्वजारोहण के बाद ही संसद में कामकाज शुरू हो सकेगा, क्योंकि देश के फ्लैग कोड के अनुसार किसी भी सरकारी इमारत को राष्ट्रीय ध्वज फहराने के बाद ही दर्जा मिल पाता है। दिल्ली आबकारी नीति मामले को लेकर के प्रवर्तन निदेशालय ने बीआरएस नेता के कविता को शुक्रवार के लिए तलब किया है। अधिकारियों ने गुरुवार को ये जानकारी दी। ईडी ने आरोप लगाया कि कविता आपके संचार प्रभारी विजय नायर के संपर्क में थी, जिन्होंने नीति निर्माण और कार्यान्वयन के समय शराब व्यवसायियों और राजनेताओं से मुलाकात की थी। ईडी ने इससे पहले बीते मार्च के महीने में तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर की बेटी की कविता से पूछताछ की थी। तेलंगाना विधान परिषद के सदस्य कविता से पिछले साल दिसंबर में इसी मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी CBI ने भी पूछताछ की थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक दर्जन से ज़्यादा लोगों को भी तलब किया गया है, जो इस कथित घोटाले में नकद लेन देन करने में शामिल थे। ईडी ने इस मामले में अब तक 5 आरोपियों को दाखिल किया है। ईडी ने पिछले साल मामले में अपना पहला आरोप पत्र दायर किया था। एजेंसी ने कहा कि दिल्ली के उपराज्यपाल की सिफारिश पर दर्ज किए गए CBI मामले का संज्ञान लेने के बाद FIR दर्ज करने के बाद उसने अब इस मामले में लगभग 200 तलाशी अभियान चलाए हैं। राजस्थान के स्वायत्त शासन मंत्री यानी UDA शांति धारीवाल ने कोटा के बच्चों के सुसाइड की वजह अफेयर को बताया है। मुख्यमंत्री की उपस्थिति में मंत्री ने कहा कि
कि हाल ही में जिस स्टूडेंट ने सुसाइड किया उसके पास से अफेयर का लेटर भी मिला था। वहीं स्टूडेंट के पिता ने धारीवाल के आरोपों पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि बेटी के साथ छेड़छाड़ होती और अगर मंत्री के पास अफेयर को लेकर के कोई सबूत है तो हमें लाकर दिखाए। बुधवार को नई कोटा में सिटी पार्क का लोकार्पण कार्यक्रम था। यहाँ यूएसटी मंत्री शांति धारीवाल ने पार्क की जरूरत और खूबियां बताने के दौरान कहा, यहाँ करीब हर साल 2.5 लाख बच्चे पढ़ने आते हैं। आए दिन हमें सुसाइड के बारे में सुनने को मिलता है। आज भी एक लड़की ने आत्महत्या की है। इसका कारण ये था कि जो उसने लेटर छोड़ा वो लेटर अफेयर के कारण छोड़ा। जितनी भी यहाँ सुसाइड हुए हैं उन पर स्टडी करने की ज़रूरत है कि ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। जब बाहर के राज्यों से लड़का पढ़ने आता है तो आसपास के माहौल को देखकर हीन भावना महसूस करता है, सोचता है कि मेरे बराबर के हॉस्टल के रूम में जो लड़के रहते हैं वो मुझसे बहुत आगे हैं। ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और यूं ही बने रहिए युग चरण के साथ।